फायर एक्ट में फरार चल रहे सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को आखिरकार एटा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर ही लिया। जुगेंद्र यादव पर एटा पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था और अब पुलिस ने डकैती और छेड़छाड़ के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जुगेंद्र यादव पर जमीन कब्जा करने और डकैती गैंगस्टर एक्ट सहित 90 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। ये गिरफ्तारी एटा पुलिस की SOG की टीम ने की है। इससे पहले पुलिस ने उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव को आगरा में चाय पीते समय गिरफ्तार किया था और गुरुवार को जोगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भी हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जोगेंद्र सिंह यादव को कोतवाली नगर में रखा है। कोतवाली नगर छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोतवाली नगर पर जनपद के कई थानों का फोर्स लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मथुरा से जोगेंद्र सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला पंचायत चुनाव के बाद से ही जोगेंद्र सिंह पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया था। एटा से जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पत्नी रेखा यादव ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में जोगेंद्र सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने एटा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे BJP के विपिन शर्मा डेविड से चुनाव हार गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के कई मुकदमे दर्ज किए थे। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन ने 82 की कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र सिंह यादव के घर और प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए थे। वहीं कुछ दिन पहले ही आगरा की एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव कुबेरपुर में एटा के सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र यादव की पत्नी के नाम दर्ज संपत्ति को प्रशासन ने शुक्रवार को कुर्क किया था, जिसमें 15 बीघा जमीन कुर्क की गई, जिसकी बाजारी कीमत करीब 4 करोड़ रुपया है। गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ही ये कुर्की की गई थी। इसके बाद भी आरोपी जोगेंद्र सिंह यादव हाजिर नहीं हुए। जोगेंद्र सिंह यादव के लगातार फरार चलने से एटा पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई और इस केस के सह आरोपी सपा के अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव हाल ही में जेल भेजे जा चुके हैं।